Audio Jungle. सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो चैनल वेंदे दरिया। मैं हां राजपिंदर कौर, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। ते बुलेटिन दी शुरुआत करदे हां मुख खबरां दे नाल। हरपाल सिंह चीमा ने कांग्रेस पार्टी ते शराब माफिया चलाउण दा लाया दोष। पटियाला चों फड़ी गई नकली शराब दी फैक्टरी। देश विच आउण वाला है बहुत वड्डा आर्थिक तूफान। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने कीती भविष्यवाणी। दुनिया भर चों दिल दीआं बीमारियां नाल हुंदीआं हन सब तों ज्यादा मौतां। WHO ने जारी कीती रिपोर्ट। यूपी विच दो ट्रकां दी टक्कर विच होई 24 मजदूरां दी दर्दनाक मौत। भुख नाल तड़पदे बच्चों का दुख ना सहारदिआं मजदूर ने फाहा ला के कीती खुदकुशी। फरीदकोट जिले के 39 कोरोना मरीजों नूं मिली हस्पताल तों छुट्टी। 12 का इलाज जारी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। पटियाला विखे नकली शराब की फैक्टरी फड़े जाने तो बाद पंजाब की सियासत होर भख गई है। आम आदमी पार्टी के सीनियर आगू हरपाल सिंह चीमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोष लाया कि सत्ताधार कांग्रेस पार्टी पंजाब विच शराब माफिया चला रही है, जिस विच कई वड्डे वड्डे लीडर भागीदार हैं। उन्होंने फड़ी गई नकली शराब की फैक्टरी के मालक अमरीक सिंह नां दे व्यक्ति दे कांग्रेस के वड्डे लीडर नाल संबंध होने के सबूत दिंदिआं इन्हां लीडर नाल अमरीक सिंह दीआं तस्वीरां भी विखाईआं। उन्होंने कहा कि शराब की नकली फैक्टरी विच महंगे ब्रांडा वाली शराब की बोतल 10-12 रुपए विच तैयार हुंदी है, जिस नाल जिथे पंजाब दे रैवी नूं वड्डा चूना लगाया जा रहा है, उत्थे लोकां दी सेहत नाल भी खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेसी मंत्रियों की लड़ाई को शराब के मामले नाल जोड़द्या कहा कि इस मामले की हाईकोर्ट के सिटिंग जज द्वारा निरपक्ष जांच होनी चाहिए है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भविष्यवाणी करदिया कहा कि देश में एक बड़ा आर्थिक तूफान आने वाला है, जिस कारण लोगों को बहुत सारे कष्टों का सामना करना पवेगा। उन्होंने कहा कि विरोधी धिरों को मिलकर सरकार से दबाव पाना चाहिए, ता ही सरकार साडी गल नूं सुनने लिए तैयार होगी। श्री गांधी ने कहा कि अज गरीबों नूं नकद पैसे की जरूरत है, इसलिए श्री मोदी नूं पैकेज नूं सीधा बैंक खात्यां विच ट्रांसफर करना चाहिए। मनरेगा तहत मजदूरों ने 200 दिन लिए रुजगार देना चाहिए, इसे तरह किसानों का भी सीधा पैसा खात्यां विच पाउणा चाहिए। श्री गांधी ने कहा कि लोगों को पैसा ही नहीं, खरीद किवें करनगे, जेकर मंग नहीं पाती तो देश का बहुत वड्डा आर्थिक नुकसान होगा। कहा जा रहा है कि दुनिया भर में सब तो ज़्यादा मौतें दिल की बीमारियों नाल होंदियां हन। WHO वालों जारी रिपोर्ट अनुसार साल 2016 विच दिल दी बीमारियां दे स्ट्रोक नाल 1.52 करोड़ लोगों की मौत हुई है। पिछले 20 सालों तो दुनिया भर में हुई मौतों का सब तो वड्डा कारण दिल दी बीमारियां ही रही हैं। इस तो अलावा साल 2016 विच दूजे नंबर ते साह दी नाली दीआं बीमारियां नाल 30 लाख मौतां होईआं ने, ते फेफड़े दे कैंसर नाल 17 लाख मौतां, ते HIV नाल 10 लाख मौतां होईआं ने। यूपी विच ओरिया विच अज सवेरे हाईवे ते दो ट्रकां दी टक्कर विच 24 मजदूरां दी मौत हो गई। ये सारे मजदूर राजस्थान तो आ रहे सी। पुलिस सूत्रां अनुसार मजदूर चूने दे भरे ट्रक ते सवार सन। चुरहली इलाके कोल पहला ही सड़क ते खड़े ट्रक विच ए ट्रक टकरा गया। सख्त टक्कर तो बाद दोवें ट्रक पलट गए। यह हादसा सवेरे 3:30 बजे के करीब होया। दस्या गया कि हादसा इन्ना भयानक सी कि मौके ते ही 24 मजदूरों की मौत हो गई है अते 20 होर जख्मी हो गए। इन्हां विच मारे जाने वाले ज़्यादा मजदूर बिहार, झारखंड अते पछमी बंगाल के रहने वाले सन। खबर कानपुर तो है कि लॉकडाउन के चलदियां कोल कोई पैसा ना होने कारण बच्चों नूं भुखे पैसे विलकदियां नूं ना सहारदे हुए राजपुरवा निवासी विजय बहादुर नां दे एक मजदूर ने फाहा ला के खुदकुशी कर ली। मरण तो पहला उह परिवार का पेट भरन लई दर दर भटकिया, पर कितों कोई काम ना मिलिया। 15 दिनों तो भुखे बच्चे सुक्कियां रोटियां खा के ते पानी पी के वक्त लंघा रहे सी। यह दुख उस तो वेख्या नहीं गया, जिस करके उसने अपनियां अखां हमेशा लई बंद कर लईआं। पता नहीं देश विच होर किन्ने लोग अजिहे होणगे जिन्हां दे बच्चे भुख नाल विलकदे होणगे, पर समें दीआं सरकारां नूं राज भाग दे नशे विच कुछ भी नज़र नहीं आउंदा। जिला फरीदकोट के चीफ मैडिकल अफसर डॉक्टर रजिंदर कुमार ने दस्या कि करोना की जंग जितण लई हर उपराला किया जा रहा है। अज फरीदकोट जिले के 39 मरीजों को इलाज तो बाद हस्पताल तो छुट्टी दे दी गई है। बाकी 12 एक्टिव केस हैं जिन्हों का इलाज चल रहा है। अज गुरु गोबिंद सिंह मैडिकल कॉलेज फरीदकोट तो जे साडी आइसोलेशन फैसिलिटी है, और जिथे सारे ही पेशेंट जिहड़े जिला फरीदकोट के नहीं कि होर जिलों के भी पेशेंट आते हैं, वो पेशेंट असी इतों डिस्चार्ज कर रहे हैं। अज असी 40 पेशेंट जिहड़े हैगे आ
वह गवर्नमेंट की जिहड़ी नवीं डिस्चार्ज पॉलिसी आई है उन्होंने नियमों की पालना करते हुए अज 40 पेशेंट असी इत्थों डिस्चार्ज किए हैं। मौसम संबंधी जानकारी। इस समय देश में वैस्टर्न डिस्टर्बेंस बनया हुआ है जिस कारण देश के पहाड़ी इलाकों हिमाचल जम्मू कश्मीर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड उत्तरी राजस्थान चो मौसम खराब हो सकता है। इन्हां सूबों में मौसम विभाग वालों अलर्ट जारी करदिआं लोगों नूं घरां तो बाहर ना निकलण की अपील की गई है। तो इस नाल ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुंदा है। होर ताज़ा तरीन खबरों देखने लई तुसीं देखते रहो चैनल वेंदे दरिया।